बाहर से कोई भी आए, आई एम बैंगलोर की बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो इम्प्रेस हुए बना रह नहीं सकता वो। यहाँ पे हर इंसान अपने आप में अलग है और आई एम बैंगलोर उसे अपनी पैशन फॉलो करने में मदद करता है। फर्स्ट थिंग आई एम टीचर्स यू इज टू शैटर योर ईगो। यू आर मच इन अ मच बेटर पोजिशन टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। एज ए सोशल परस्पेक्टिव वो भी मैं सोच सकता हूँ और ये मेरा आई एम बी बी से ही अनुभव से ही मैं आगे ले सकता हूँ। आई एम बी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हमारा पूरा पर्सनैलिटी ग्रो कर सके। कॉर्पोरेट में आप स्किल सीखते हैं, यहाँ पर आप फंक्शन और परस्पेक्टिव भी सीखते हैं। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी अपने अलग अलग खुद की पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने का जो आपको कहीं पे एक जगह पे कभी भी नहीं मिलेंगे। ओवरऑल इफ आई से एक होता है ना कि धड़क खुल जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के कैंपस में आते ही एहसास होता है प्रकृति से जुड़ने का। चारों तरफ हरियाली, इस हरियाली के बीच पत्थरों की ऐसी इमारत जिसने बेलों की पोशाक पहन रखी हो। इमारत बड़ी विशाल है लेकिन झरोखों के लिए पर्याप्त जगह है जिनसे धूप झनकर आती है और हर कोने को रोशन कर जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ये माहौल कहीं ना कहीं इस संस्थान के दर्शन का सांकेतिक स्वरूप है। यहाँ सोच ऊंची है लेकिन जमीन के करीब है और ज्ञान की रोशनी को हर तरफ से आने की इजाजत है। जमीन का संस्थान से ये रिश्ता उतना ही पुराना है जितना पुराना है इसका इतिहास। 1973 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके पहले 1961 में अहमदाबाद और कोलकाता का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 12 साल के बाद तीसरा आईएएम का शुरुआत हुआ, आईएएम बैंगलोर। तब इसका फोकस था कि हम पब्लिक सेक्टर के लिए मैनेजर्स बनाएंगे। किसी भी कंपनी की सफलता के लिए क्या चाहिए? अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी सेल्स टीम, अच्छा मैनेजमेंट, ये बातें तो सभी को पता होती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब के बावजूद कंपनी की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? आईआईएम बेंगलुरु की माने तो जब तक समाज तरक्की नहीं करता तब तक किसी भी संस्थान या कंपनी की तरक्की की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनी चलती है ग्राहक के दम पर और जब ग्राहक ही नहीं तरक्की करेगा तो कंपनी का क्या होगा? इसलिए आईआईएम बेंगलुरु का खास ध्यान मैनेजमेंट के जरिए सामाजिक तरक्की की ओर है। इसमें देखिए, एक तो रिसर्च होता है, रिसर्च इन बिजनेस मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ की रिस्पॉन्सिबल बिजनेस क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस का मतलब ये है कि हमारे जो सब स्टेक होल्डर्स हैं उसको हम साथ में लेके चलते हैं कि नहीं। ना ऐसी कंपनियां भी हैं जैसे कि टाटा हुआ, इंफोसिस हुआ, विप्रो हुआ, दे हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम और इसका सक्सेस इज गारंटीड क्योंकि ये 150, 200, 400, 500 साल तक ये बिजनेस चल सकता है। जो कंपनी है, जो एंटिटी है, वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेती है, उस रिसोर्सेज को यूज़ करके वो इकोनॉमिक प्रॉफिट या वैल्यू बनाती है। तो ये जिम्मेवारी रहती है कि हम जो सोसाइटी से जो ले रहे हैं आप वापस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस आईआईएम के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके तहत बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, आईपीआर, इंटरनेशनल ट्रेड,
इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और लेबर इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर छात्रों को ज्ञान दिया जाता है और ये ज्ञान सतही नहीं होता। यहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक व्यवहारिक परिस्थितियों को कक्षा में छात्रों के सामने रखते हैं और उन्हें उनके बारे में समझाते हैं, यानी किताबी ज्ञान के अलावा छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या कहें दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे बिहेवियरल साइंस यानी आदतों का अध्ययन को ही लें, ये विस्तृत विषय है, लेकिन जब इस पर संस्थान में विचार विमर्श होता है तो इसका गूढ़ मंत्र पता चलता है और पता चलता है कि इसमें व्यवहारिकता का कितना महत्व है। हम लाते हैं पार्टिसिपेंट्स को, उनको या तो एक सेलफोन पे या टैबलेट पे या एक लैपटॉप पे कुछ दिखाते हैं, एक वेबसाइट होती है जिसमें उन्होंने शॉपिंग करनी है, तो वो करेंगे तो उनका जो भी रिस्पॉन्स है इन तीनों डिफरेंट इंटरफेसेस में अगर डिफरेंट है तो ये हमने एक मैनिपुलेट किया है एक वेरिएबल, और हम चाहते हैं फाइंड करना उनका शॉपिंग बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा फॉर एग्जाम्पल इस केस में। सार्वजनिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक मैनेजर का सामना जनता के साथ साथ सरकारी, गैर सरकारी और दूसरे संस्थानों से होता है। उन्हें इन सब से तालमेल बनाकर चलने की जरूरत होती है। IIM बेंगलुरु में एक साल का कोर्स है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पब्लिक पॉलिसीज। इस कोर्स में छात्रों को केवल किताबी ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। आजकल बिजनेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और मान लीजिए नए बिजनेसेस लाइक ई कॉमर्स, कंसल्टिंग या वो IT सर्विसेज या वो पुराने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देख लीजिए, अभी सभी लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो आज की ज़माने की रेगुलेशन समझ पाए, आज के ज़माने की गवर्नमेंट की तौर तरीके और उनके जो फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं उसको समझने में आसानी हो। हाउ मैनेजर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ। तो काफ़ी लोग समझते हैं कैपिटलिज्म मीन्स गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट नहीं होगी या इफ़ देर इज़ नो रेगुलेशन, फ्री मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी टॉक अबाउट इन दिस कोर्स। सामाजिक क्षेत्रों की तरफ संस्थान की प्राथमिकता ने सरकारों का भी ध्यान खींचा है। आज केंद्र और राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि वो मैनेजमेंट के गुणों का फायदा उठाएं और अपनी जन कल्याण योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी ढंग से चलाएं। देखिए, एक तो सबसे पहला ये आपको सोचने का दायरा बढ़ता है कि आप जब एक सरकारी डिपार्टमेंट में रहते हैं तो आप बहुत छोटा सोच पाते हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने डिपार्टमेंट से बाहर आते हैं आपको लगता है, आपको पता लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है, उसके अलावा फॉरेन में क्या हो रहा है, तो उसके साथ में जो भी ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसको आप अपने उसमें ला पाएंगे। अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया गया है ये पहले तो हमें पूरे बेसिक फंडामेंटल समझाता है कि किस की मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिसी इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है। देन हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है उस पर हम सीखते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, साथ के साथ इसमें एक इंटरनेशनल इमर्शन का कॉम्पोनेंट रखा गया है। सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की तरफ संस्थान की रुचि ने विदेशी छात्रों को भी आकर्षित किया है। आज वे यहाँ मैनेजमेंट के विभिन्न पाठ्यक्रमों के जरिए इस क्षेत्र का महत्व समझ रहे हैं। आई थिंक द कोर्स हियर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न बिफोर। आई लर्न अकाउंटिंग, फाइनेंस, व्हिच इज कॉमन कोर्सेज, बट इन IIM वी कैन चूज स्पेसिफाइड कोर्स अबाउट इंडिया, स्पेसिफाइड कोर्स अबाउट स्पेशल टॉपिक्स। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी। Here I have learned a lot of business models, how to shape and transform a company into thinking in a green manner, and also how you can do social impact in a more efficient way, which I didn't have time or the opportunity to do in Sweden. IIM बेंगलुरु एक ऐसा संस्थान है जहां नए विचारों को जन्म लेने के लिए एक अनुकूल माहौल दिया जाता है। छात्रों को यहां मौका मिलता है असफल होने का, असफलता से सीखने का, इस सीख से कुछ नया सोचने का,
इसीलिए ये संस्थान शोध करने वाले विद्यार्थियों की पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर तरह का डेटाबेस और जो रिक्वायर्ड होता है रिसर्च करने के लिए प्रोफेसर्स और सेमिनार्स, वो सब चीज़ें हमें उपलब्ध हैं यहाँ पर, तो जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमें हमेशा पता रहता है कि किस तरह का जो लेटेस्ट टॉपिक है हमारे फील्ड का, उसमें क्या रिसर्च चल रहा है। देर आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम वेयर यू आइडेंटिफाई मेंटर्स एंड आइडेंटिफाई टॉपिक्स दैट यू स्टडी इन क्लोज अलाइनमेंट विद देम। When it comes to the thesis, you are pretty much completely aligned with whoever is your supervisor, who becomes your mentor, sponsor and guide for any other career that you may choose after the PhD program. Pehli baat to ye hai ki hamare paas dedicated laboratories hain research ke liye, jaise finance lab hai, data center analytics lab hai, behavioral lab hai, to consumer research wagaira wahan ki ja sakti hai. I think hum desh mein ek ya do jagah mein se jahan census lab hai, तो रिसर्चर्स जैसे इकोनॉमिक्स या पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर्स सेंसस डेटा यूज करके रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ शोध कर रहे छात्रों के पास मैनेजमेंट के विषयों जैसे सेल्स मार्केटिंग के अलावा पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी रिसर्च करने का विकल्प है। The doctoral program tries to create theoretical and empirical knowledge in all areas of business management and public policy. And so what we try to do is we try to kind of provide our doctoral scholars the relevant training, rigorous and world-class, you know, training to conduct multidisciplinary research in all areas of specialization that IIMB offers. बदलते जमाने में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को भी लगातार बदलते रहना होगा। IIM बेंगलुरु इस बात को बखूबी जानता है, इसीलिए यहाँ कई ऐसे कोर्स हैं जो खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें कुछ फुल टाइम, कुछ पार्ट टाइम और कुछ वीकेंड कोर्सेज हैं। जमाना बदल रही है, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा रैंकिंग अच्छा बन रही है, तो हम लोग सोचे हम लोग क्यों खाली IT का ऊपर फोकस करें। अभी मेडिकल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस आना शुरू किए हैं, बायोटेक आना शुरू किए हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज आना शुरू किए हैं। सब लोग तो फुल टाइम आके पढ़ नहीं पाएंगे, काफ़ी जो इंजीनियर लोग हैं, मैनेजर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने का, रिन्यू करने का ज़रूरत है सबको मिड करियर में। तो उसके चलते हमारा इंस्टीट्यूट, एकेडमिक काउंसिल, फैकल्टी लोग सोचे कि इसको ब्रॉडन करें। इन कोर्सेज को करने वालों में मिड लेवल मैनेजर से लेकर CEO तक होते हैं। ये कोर्स सिर्फ उन्हें प्रोफेशनल पायदान चढ़ने में ही मदद नहीं करते, बल्कि इनकी जानकारी, इनकी समझ का भी विस्तार कर इनकी प्रगति की राह को आसान करते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, कॉर्पोरेट में आप स्किल सीखते हैं, यहाँ पर आप फंक्शन और पर्सपेक्टिव भी सीखते हैं। जब मैं इस कोर्स में आया तब मुझे पता चला कि ये जो सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एक बिजनेस के, उनको एक साथ हम लोग इंटीग्रेट करके कैसे ओवरऑल बिजनेस को शेप अप कर सकते हैं। दिस कोर्स गिव्स यू मोर इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। IIM बेंगलुरु आज देश की मैनेजमेंट शिक्षा का सिरमौर है, तो इसकी वजह है यहाँ पढ़ाए जाने वाले अव्वल दर्जे के पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों में शामिल है 5 साल की अवधि वाला PhD प्रोग्राम PGPM। इसमें 1 व 2 साल की समय सीमा वाले पाठ्यक्रम मौजूद हैं। इसी के साथ मिड करियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए पब्लिक पॉलिसी के विषय में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा संस्थान में पेशेवरों के लिए PGPM वीकेंड प्रोग्राम को भी संचालित किया जा रहा है। सबसे पुराना प्रोग्राम तो PGP है, तो चूंकि यहाँ इंडिया में प्रथा है कि कॉलेज करने के तुरंत बाद लोग आ जाते हैं, वो प्रोग्राम डिज़ाइन है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, या 1 या 2 साल के, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो उनके लिए तैयार किया। तो वो फुल टाइम 2 ईयर्स रहते हैं, तो बहुत सी बेसिक चीज़ें भी उनको सिखाई जाती हैं। IIM बेंगलुरु का उद्देश्य रहा है कि उच्च शिक्षा का लाभ सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे, उसका सामाजिक और आर्थिक विकास हो। इसी कोशिश का एक उदाहरण दिखा हमें इस लैब में। यहाँ एक साइट विकसित की जा रही है, इस साइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति निवेश से जुड़े
अपने सारे सवालों के जवाब पा सकता है। उसे यहाँ विशेषज्ञों के विचार सुनने को मिलेंगे और साथ ही मिलेंगी वो सारी हिदायतें जो शायद आपका निवेश सलाहकार आपको ना दे। We are developing a platform called PIE, Platform for Investor Education, and it is not a course, it is a group of videos, audios, podcasts, blog posts, other types of content. The idea is, जिसको जो भी समझना है वहाँ पे जाओ और देख लो, अगर कोई वीडियो आसान समझ गई then you go to a higher level video, अगर कोई वीडियो बहुत मुश्किल है तो शैलो डाइव करके एक चीज़ है, यू कैन गो एंड लर्न मोर बेसिक थिंग्स। सो द आइडिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इज रियली टू एजुकेट पीपल। आईआईएम बेंगलुरु एक प्रतिष्ठित संस्थान है और यहाँ दाखिला मिलना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूर बैठा व्यक्ति यहाँ दिए जाने वाले ज्ञान का फायदा नहीं उठा सकता। संस्थान ने अब मैनेजमेंट की शिक्षा इंटरनेट के जरिए देने का प्रयास किया है। We released our first course in 2015, and over the last couple of years, we have now about 40 plus courses and about 1.3 million learners spread across 190 countries in the world. So that's one of the digital initiatives that we have. IIMBX is also present on the Swayam platform, which is, as you know, the Government of India platform on which we offer courses in management, where we are also the national coordinators. इस संस्थान की विशेषता आइडियाज जनरेशन के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसी रचनात्मक सोच जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में बड़े बदलाव लाने का मादा रखती है। इसी तरह की सोच यानी क्रिएटिव आइडियाज को हकीकत में साकार करने का मंच है आईआईएम बेंगलुरु में मौजूद एनएसआर सेल। संस्थान में मौजूद इस इंक्यूबेटर से अब तक 240 से ज्यादा वेंचर्स और 48,600 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा जा चुका है। संस्थान में हर साल करीब 25,000 एप्लीकेशंस आते हैं और गहन सोच विचार के बाद केवल 10 उम्मीदवारों के आइडियाज को इंक्यूबेट किया जाता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद उन्हें संस्थान के 4 दशकों से ज्यादा के अनुभव का फायदा मिलता है, साथ ही मिलती है विश्व स्तरीय फैकल्टी की मेंटोरशिप। इन एंटरप्रेन्योर्स को संस्थान के पुराने छात्र जो दुनिया भर में फैले हैं उनकी भी मदद मिल जाती है, और जब कंपनी को स्थापित करने की बात आती है तो उन्हें जरूरी कानूनी मदद भी दी जाती है। इंक्यूबेशन प्रोसेस के दौरान इन एंटरप्रेन्योर्स को अपना ऑफिस स्पेस भी मिलता है, जहाँ ये बिल्कुल उसी माहौल में काम करते हैं जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया जाता है। We are not able to pinpoint on one segment as to where we go and make an impact. So it helped me streamline my entire thought process, helped me get my first pilots, to be honest, and helped me a lot with the manufacturing, etc. We had a lot of, struggle and a lot of challenges to be solved, which, they made them easy to solve. जब वो development की बात आती है, very high level complex objects, तो मैं इनको हेल्प के लिए पूछता हूँ कि मुझे ये टेक्निकल डेवलपमेंट में ये चाहिए, तो वो मुझे कनेक्ट करवा के देते हैं एक्सपर्ट्स के, फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ, तो फिर मैं उनके साथ बात करके प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। एनएसआर सेल के 70% स्टार्टअप कार्यक्रमों में महिलाओं की सीधी या सहभागीदारी रही है। इसके बावजूद भी इस सेल ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 2 खास कार्यक्रम बनाए हैं। One is called the Women's Startup Program, or WSP as we call it. This is funded by Department of Science and Technology and Goldman Sachs. And the purview of this program is early stage women funded venture. Then we have on the other extreme what is called a 10K or 10,000 women program, which is sponsored by Goldman Sachs, where the focus is on large ventures. बदलते दौर में टेक्नोलॉजी का स्वरूप भी बदलकर वर्चुअल हो चला है। मैनेजर्स हों या लीडर्स, वैज्ञानिक हों या विद्यार्थी, या फिर बात करें ऐप बेस्ड सर्विसेज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके नए ईंधन के रूप में उभरा है। मौजूदा सदी इसी एआई और डेटा की है।
न सिर्फ डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास जरूरी है बल्कि साथ ही इनकी गणना, सही उपयोग और इनसे संबंधित शोध को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। आज के सिचुएशन में बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एक साथ लेकर जो स्टूडेंट्स कम ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जाएंगे और ये बिजनेस एनालिटिक्स स्ट्रेंथ लेकर बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए तैयार किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी। Now, if you look at the beginning of 20th century, most of the economic development was because of electricity. Now, what we are going to see is that in the 21st century, most of the economic development will be driven by artificial intelligence, which is one component of analytics. बात सिर्फ नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने की ही नहीं है, बदलते वक्त के साथ कारोबार करने के तरीके में भी बदलाव आए हैं और इन बदलावों को पुराने पाठ्यक्रमों में समय से पहले सम्मिलित करना संस्थान की विशेषता रही है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ही लें, ये कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना शायद कारोबार का इतिहास, लेकिन तकनीक के बदल जाने से इसका स्वरूप ही बदल गया है। इस बदलते स्वरूप को IIM बेंगलुरु ने बड़ी शीघ्रता के साथ शामिल किया है। इंस्टीट्यूट क्या करती है कि वो जो नया नॉलेज होता है वो जमा करते हैं, रिसर्च करते हैं उसमें और वो डिसेमिनेट करते हैं इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री के पास में जो पुरानी सप्लाई चेन की जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपग्रेड होता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री क्या करते हैं, हमको प्रॉब्लम्स भेजते हैं, हम वो डेटा भेजते हैं और हम हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स करते हैं उस पर, जो कहते हैं हम उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी कोर्स स्टडी। इंसान के अस्तित्व से लेकर अब तक संवाद और कम्युनिकेशन की महत्वता जस की तस है, या कहा जाए पहले की तुलना में ये और बढ़ी ही है। मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट जगत की इसी मांग को पूरा करता है IIM बेंगलुरु का सेंटर फॉर मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस। यहाँ विद्यार्थियों और मिड करियर उद्यमियों को एक ऐसे सेक्टर में संवाद करने के लिए तैयार किया जाता है जहाँ उनके शब्दों से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज तक उनकी कंपनी की बैलेंस शीट प्रभावित कर सकती है। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इज द सेट ऑफ कोर्सेज, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज दैट अलाउ मैनेजर्स टू बी मोर इफेक्टिव इन वर्क प्लेस मिलियू। When we deal in the corporate world, there are many processes and procedures and the technical aspects. IIM बेंगलुरु की एक खासियत देश की कारोबारी नीतियों के साथ तालमेल बैठाना भी है। देश की लुक ईस्ट पॉलिसी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलते ही संस्थान ने लॉन्च किया बिजनेस प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट कोर्स, जिसके तहत स्टूडेंट वियतनाम, चाइना और जापान जैसे पूर्वी देशों में जाकर वहां के कारोबारी माहौल को करीब से समझते हैं। तो वो देख सकते हैं कि हमारे से भी गरीब कंट्री जैसे वियतनाम है, तो वो कैसे डेवलपमेंट कर रही है, इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रही है, इतनी साफ सफाई है वहाँ पर, काफ़ी कुछ उनका जो नज़रिया है काफ़ी बदल जाता है। ऐसे कंट्रीज़ में विजिट करके उनका नज़रिया ही बदल जाता है और वापस आकर हम यही आशा करते हैं कि वो काफ़ी कुछ हमारे देश में भी बदलाव ला सके। पिछले चार दशकों में IIM बेंगलुरु से ना जाने कितने ही छात्र पढ़कर निकले हैं, वो देश और दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। संस्थान को इन छात्रों से काफी मदद मिलती है। Also need to know how well the alumni are doing, right? So we keep a track on how their career is moving, what they are achieving, and then we try to provide them a lot of recognition for their achievements. We have a system where we award the Distinguished Alumni Award every year to a few alumni who have done very well in their profession, who have made significant contribution to the community. जब नई कंपनीज आते हैं या हम लोग ही लुकआउट पे रहते हैं, उनको लिख के बुला लेते हैं और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कमेटी वो बहुत एक्टिव रहती है, तो वो लोग अपने आप
कंपनीज को लिखते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आपको MBA स्टूडेंट्स चाहिए तो हमारे यहाँ आके ले लीजिए. तो सब कुछ मिलाकर ऐसा होता है कि कुछ 100 to 150 रिक्रूटर्स हर साल आते हैं हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स लेने के लिए. IIM बेंगलुरु की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का माहौल. यहाँ खुलापन है और ये खुलापन केवल संस्थान की इमारत में ही नहीं है बल्कि यहाँ की सोच में भी है. यही खुलापन देता है यहाँ आने वाले छात्रों की रचनात्मकता को एक नई उड़ान, एक नई दिशा. यहाँ पर मुझे ये लगता है कि प्रोफेसर्स के साथ अगर आपको किसी एरिया में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च कोलैबोरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो. यहाँ पे तुम जो पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन तुम्हें इंटर्नशिप के दरमियान दिखाई देता है, तो जो तुम सीखते हो वो एक्चुअली तुम प्रोजेक्ट्स में, केस स्टडीज में, कॉम्पिटिशन्स में उसका अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पर आपको एक्चुअली में टीम्स के साथ काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, कभी कभी आपके इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पर आपकी सिमुलेशन या वर्कशॉप्स होती है, तो वो चीज़ काफ़ी अलग है. कैंपस में छात्रों को ज्ञान देने के लिए प्रोफेसर, विजिटिंग फैकल्टीज और गेस्ट लेक्चर्स तो होते ही हैं. यहाँ की लाइब्रेरी भी शानदार है. इसमें हमारा जो कलेक्शन आज के डेट पे है, हालांकि हम 10 साल बाद एस्टेब्लिश हुए थे IIM कलकत्ता और IIM अहमदाबाद के बाद, लेकिन हमारे 2 लाख से भी ज़्यादा हैं. इसमें टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है या सर्वे रिपोर्ट्स हैं, और बुक्स तो वैसे तो कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1,70,000 तो होगा ही. संस्था ने प्रोफेशनल एजुकेशन के दौरान आने वाले तनाव का भी पूरा ध्यान रखा है. इसे कम करने के लिए IIM बेंगलुरु परिसर में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है जहां विद्यार्थी स्क्वैश, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं. यहां संस्थान में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल्स मौजूद हैं, तो वहीं ये पूरा कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है. IIM बेंगलुरु की डिग्री किसी के भी रिज्यूमे में 4 चांद लगा देती है, एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी की गारंटी देती है. लेकिन इस संस्थान का मकसद सिर्फ इतना नहीं है. इसकी सोच केवल गिने चुने कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के भविष्य को बनाना नहीं है. संस्थान की कोशिश है कि वो इन छात्रों के जरिए एक स्वस्थ और संपन्न समाज का निर्माण करे, एक ऐसा समाज जहां पुरुष ही नहीं महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल हो, एक स्वस्थ और उन्नतशील समाज में ही सब फल फूल सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या कॉर्पोरेट. यही है मैनेजमेंट और यही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु की कवायद.